नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। आज मैं एक एक्टर की बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। ये एक महानायक सीरियल, एक महानायक भीमराव अंबेडकर सीरियल में ये एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज इनकी आउटलाइन भी बनाएंगे और इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। इनके साथ मैंने सीरियल में कैसे काम किया और ये कैसे इंसान है, कैसे काम करते हैं अपने एक्टर के साथ, बहुत अच्छे अपने जो को आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ कैसे काम करता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ड्राइंग बनाएं तो सबसे पहले अपनी ग्रिड को गिन लें। तो ग्रिड बनाना हो तो आपको उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आप ग्रीडिंग करके जैसे 7 काउंट किया मैंने, तो 7 काउंट करके जो फोटो है, फोटो जिस पे आप बनाएंगे पेपर, उस पर इस तरह से आराम से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। कल मेरा शूट था इनके साथ और मैं इनको नहीं जानता था, इनको पहली बार देखा था टीवी, मतलब सामने से टीवी मैंने कभी नहीं देखा था इनको, मुझे आइडिया भी नहीं था। लेकिन फिर मैं सोचा कि यार एक्टर अच्छा, मतलब जब काम करके इनके साथ काम किया तो मुझे अच्छा लग रहा था कि एक्टर बहुत अच्छा है। और फिर हम लोगों ने खूब मस्ती के साथ सीन किया और खूब इन्जॉय किया, बहुत सारी बातें की, मज़ा आया इनके साथ काम करके। और बहुत जल्दी टीवी पे आएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है। ये मेरा 13-14 को शूट था ये, ठीक है। तो 15-16-17-18 मतलब 20-21 के बीच में आ जाएगा, आप लोग टीवी पे देख लीजिएगा और फिर बताइएगा कि मुझे कैसे, आप लोगों को कैसा लगा मेरा काम उसमें, ठीक है। बाकी शेडिंग करूँगा तो उसमें भी बहुत सारी बातें करेंगे। आपको बस ड्राइंग बनाते रहना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी ड्राइंग बनेगी, ठीक है। कोई भी काम करिए आप उसमें खूब मेहनत से करिए, प्रैक्टिस से, मतलब खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी आउटलाइन हल्के हल्के हाथों से इसलिए बना ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए, ठीक है। आउटलाइन सबसे, मतलब कभी भी किसी की पोइट्री बनाइए फिर ड्राइंग बनाइए, अगर आपकी आउटलाइन अगर अच्छी रहे तो फिर ड्राइंग बहुत अच्छी बन जाती है। अगर आपकी आउटलाइन ही ख़राब रहेगी ना तो फिर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं बन पाएगी। कहते नहीं, आपका जो बेसिक चीज़ होती है, बेसिक मजबूत हो तो बेसिक मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अभी सबसे पहले आप क्या करिए कि जितने भी आउट एरिया, मतलब जैसे कि आई, नोज़ और लिप जो है, ये तीन चीज़ों छोड़ के बाहर के पार्ट जितने हैं उनको आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, उनकी आउटलाइन बना लो। मैं वैसे ही करता हूँ, बहुत ज़्यादातर ड्राइंग में ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। पहले आउट बना लेता हूँ, ठीक है। आउट बनाने के बाद क्या होता है कि जब सब कुछ बन जाता है तो मुझे दूर से एक रफ आइडिया दिखता है, वाह आधा तो काम हो गया। अब जो मेन काम होता है सिर्फ फोकस करना होता है फिर सीधा नोज और लिप और आई पे। तो ये तीन चीज़ आप बाद में बनाया करो, अगर नहीं, अगर ऐसा नहीं है आप बना सकते हो, लेकिन मेरा मानना है अगर आप बाद में बनाते हो एक बार करके देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो करिएगा, नहीं तो फिर आप अपने स्टाइल में करिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। सबका अपना स्टाइल होता है काम करने का, मेरा अलग स्टाइल है, आपका अलग स्टाइल होगा, सबका अलग होगा, ठीक है। तो जब भी आप ड्राइंग करें तो ड्राइंग में चीज़ों को देखें, अब जितना देखोगे उतनी चीज़ आपको समझ में आएगी। ऑब्जर्व करो, क्या कैसे मैं कर रहा हूँ, ये ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ से लाइन ले रहा हूँ, जैसे अच्छा ये यहाँ से ले रहा हूँ, तो ये सब चीज़ आपको देखना होगा उसमें, चाहिए कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर, जैसे ये डबल ट्रिपल लाइन गलत हो गया, इसको तुरंत इरेज करें, ठीक है। जब भी आपकी लाइन डबल हो, ट्रिपल हो और मोटी लाइन हो गई आउटलाइन में, तो उसको फिर से इरेज करो जैसे फिर से हो गई थी, ठीक है। सिंगल लाइन रहे और आउटलाइन, तभी आपकी अच्छी दिखेगी और अच्छी बनेगी। जहाँ भी गलती हो आप तुरंत बनाओ उसको इरेज करके, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें भी बना लेंगे ताकि जब शेडिंग करेंगे ना, शेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम लगता है एक आउटलाइन बनाने में, अगर अच्छे से बना रहे हो प्रॉपर तो आपको कम से कम 20-25 मिनट लगेगा ही, वो भी पुराने लोग के लिए। नए लोग के लिए आधा घंटा पौना घंटा भी लग जाएगा, ठीक है। जो लोग बिगनर उनके लिए अगर आधा घंटा जा रहा है तो भी अच्छा है, एक घंटा जा रहा है तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप धीरे धीरे स्पीड अप कम कर लो, आपकी भी स्पीड जब अच्छी हो जाएगी आउटलाइन बनाने की, तो फिर आप भी 20-25 मिनट के अंदर बना डालोगे, ठीक है। तो हेयर में भी जो जिस डायरेक्शन में हेयर गया है उसको बना लेंगे वहीं से, ताकि शेडिंग करते इसमें प्रॉब्लम ना हो।
अभी आपको 10% ही दिख रहा होगा कि ड्राइंग बनी है, ठीक है। कुछ देर के बाद आपको लगेगा नहीं अब तो ड्राइंग एकदम लगने लगी है सब कुछ, ठीक है। आउटलाइन में ये फ़ायदा है कि जो सामने ड्राइंग बनी है अभी वो तब तक नहीं लगेगी जब तक आप आधे से ज़्यादा ड्राइंग बना नहीं लोगे। आधी ड्राइंग बनने के बाद आपको लगेगा नहीं एकदम परफेक्ट एकदम अच्छे से बन रहा है, ठीक है। तो आराम से आप ड्राइंग करो, जहाँ पे भी आपको लगे कि चीज़ें नहीं अच्छी हो रही आप तुरंत मुझे मैसेज कर दो, या मेरा इंस्टा नंबर है इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ इसी नाम से, आप वहाँ तुरंत फॉलो कर लो मुझे ताकि कोई प्रॉब्लम आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ोगे, मैं यूज़ ज़्यादा नहीं करता हूँ, इंस्टा पे ही आजकल ज़्यादा यूज़ करता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मिल जाएगा, अगर बहुत ज़रूरी काम होगा तो मैं आपको दे दूँगा, नहीं तो कोई अगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात हो जाएगी, बातचीत करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हम ज़्यादातर मिल जाएंगे आपको। तो ये आउटलाइन जो कर रहा हूँ, ये हमारा आउटलाइन एक रफ आइडिया, मोटा पूरा फेस है, ठीक है, मोटा मोटा जो है वो पूरा आइडिया मिल जाता है हमें। तो ये हमारा इतना पार्ट बन गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30% हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हेयर को और अच्छे से बनाना है, अभी हेयर अच्छे से बना नहीं है, ठीक है। तो हेयर को भी बनाना है, इस तरह के हेयर बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हेयर जैसे कर्ली जो हेयर होते हैं उनको बनाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो सीधे बाल होते हैं जो इस तरह से हैं उनको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो अच्छे से बन जाते हैं, बस उसको आपको अच्छे से बनाना होगा। बस जैसे जैसे डायरेक्शन में वाल है वो चीज़ें आप कर लो पहले से ही, ताकि आपको शेडिंग करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत मज़ा आएगा, काम करेंगे जब साथ में तुम लोग। तो हमारा हेयर भी बन गया है, हेयर बनने के बाद मैं ब्लेजर और ये जो टी शर्ट है अंदर की वो बना दूँगा, ठीक है। तो अभी टोटली मैं बाहर की आउटलाइन कर रहा हूँ, अगर आउटलाइन 10 मिनट बाहर के हुए हैं तो 10 मिनट आपको एक चीज़ को अच्छे से देखना है समझना है तभी आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी। बनाते जाओ, जहाँ भी लगे आपको ये थोड़ी सी भी गलती है तुरंत उसको इरेज कर लो, ठीक है। ये ब्लेजर इनका जो है ये आपको एक एक चीज़ को ध्यान से देखनी है, जहाँ भी गलत लगे आप इरेज करना उसको फटाक से, नहीं तो बाद में जब शेडिंग करने के बाद जब मेहनत कर लोगे ना तो बहुत पछतावा होता है, यार काश उस टाइम देख लिए होते तो अच्छा बन गया होता ना। तो वो लेकिन किंतु परंतु ये सब बाद में बहुत दुखदायी होते हैं, इसलिए पहले से ही देख लेना है कि क्या चीज़ें मैं करनी, इसमें आधा घंटा आप लगा लो, एक घंटा लगा लो, लेकिन शेडिंग खराब हुई तो आपका ये जो आधा एक घंटा है सब खराब हो जाएगा। वैसे 10 मिनट के अंदर हमारा लगता है आउटलाइन बन जाएगा, बाहर का आउटलाइन बन जाएगा, उसके बाद 5-6 मिनट में लगेगा फेस बनाने में, खट से बना दूंगा मैं। एक साइड का ही तो बन ही गया है, ये सीधी लाइन कटाक से जाएगी, ठीक। तो अब इधर का है जिसको भी बना देते हैं, ये 30 सेकंड में बन जाएगा, 9 27 28 हो गया, देखो ये, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ भी ध्यान देना होगा, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको अरेंज करना पड़ेगा। 20 सेकंड बाकी हैं, 22 23 17 सेकंड, 9-10 मिनट के अंदर ये तो बनना है, ये होने वाला है 10। बन गया,
ठीक। तो अब जो है आई पे बनाते हैं, आई और लिप नोज सब बनाएंगे। यहाँ पे आपको मेन ध्यान यहीं पे देना है आपको, ठीक है, कि कितनी दूरी पे कैसे क्या बनेगा। ये अगर आपने बना लिया तो समझ लीजिए आपकी ड्राइंग जो है अभी 50% बन गए, तो अब 50% और है। मेन काम तो यही है ना, वो सब तो थोड़ा छोटा भी बड़ा हल्का कुछ हो जाएगा 10-19-20 तो ठीक है, लेकिन फेस आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। फेस अगर आपका 19-20 हो गया तो फिर पूरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको, ठीक है। बस ये सब डॉट करके ही आपको बनाना है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कैसे है आपको। बस इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करनी होगी, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर हर चीज़ अच्छे से बना लोगे, बिल्कुल हड़बड़ाना ही नहीं है आपको। जहाँ गलत लगे तुरंत उसको इरेज करो, एक बार नहीं 50 बार प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक बन जाएगी। किसी भी चीज़ में हो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस को आप नहीं बना पाओगे। इनका नाम यार सीरियल में जानते हो क्या है, बहुत अच्छा नाम है बाला। पहली बार मेरा नाम सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाला। और सभी लोग बहुत प्यार से बात करते हैं बाला, वो बाल मतलब मज़ा आता है सेट पे। आज मैं अभी कुछ एपिसोड इस तरह से देख रहा था, क्योंकि YouTube पे मिल जाएगा पॉजिटिवी पे, तो वहाँ से मैं देख रहा था छोटे छोटे 30-40-50 सेकंड के ऐसे वीडियो हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत दिख जाते हैं मतलब हर जगह छोटी छोटी चीज़ वीडियो में। तो बड़ी वीडियो है ही नहीं, तो बड़ी वीडियो भी देख नहीं पाते। बड़ी वीडियो आती है सिर्फ उसमें ZTV पे, या तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़े तो आप देख सको, या फिर आपके पास TV हो 8:30 बजे इंतज़ार करो तो वहाँ देख सकते हो। मैं तो यहाँ मुंबई में हूँ, मुंबई में मेरे पास तो घर है ही नहीं है कुछ, मैं तो यहाँ आराम से भी जुगाड़ करके जैसे भी रह लेता हूँ। वो समय आ जाए, जल्दी से आ जाएगा कभी, अपना भी घर होगा इधर, मज़े में रहेंगे, मस्त आएगा मज़ा। अभी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बस स्ट्रगल कर रहा हूँ। इस समय सब कुछ बंद हो गया है, आप जान लो किस लिए बंद हो गया है सब कुछ यहाँ पे। 2021 एकदम से कल से तो आज से सब कुछ बंद हो गया ना, कल ही शूट किया और आज अब 15 दिन के लिए सब बंद हो गया। सारा क्या बताऊँ, एकदम पूरा मूड ही ऑफ हो गया, सारा काम धंधा सब बंद हो गया, जो भी था शूट वूट का सारा चीज़ बंद हो गया, सब कुछ सिर्फ मुंबई में बंद हुआ है पता है, बाकी सभी जगह काम चालू है। तो फ्रेंड्स हमारा जो आई है वो ही बन गया है, और आई बन गया है, थोड़ा सा छोटा लग रहा है ये आगे से, हाँ यस इसको सही कर। तो वैसे भी वाली आई थोड़ी छोटी दिख रही है फोटो में, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान से देखना होगा, ऐसा नहीं कि वो बड़ी है तो सेम इसको भी बड़ी कर दे, ऐसा नहीं है। वो फोटो एंगल में जिस एंगल से लेते हैं ना, तो छोटी बड़ी वो उस एंगल से दिख जाती है, ठीक है। तो ये सब एंगल भी आपको समझना होगा, आप आर्टिस्ट हो तो अगर आपको ये समझ में नहीं आएगी तो फिर आपकी जो ड्राइंग है वो फिर किसी को समझ में नहीं आएगी आपके अलावा। आउटलाइन थोड़ा सा टफ रहेगा मेरे भाई, क्या बोलते हो, मेहनत आपको यही करनी है, उसके बाद आपको मेहनत नहीं, सिर्फ आपको मज़े से सारा शेडिंग करना है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनको शेडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम भी मैं दूर कर दूंगा, बहुत आसान है शेडिंग करना। 1 साल तक तो मैं अभी शेडिंग नहीं किया, क्योंकि सोचता तो पूरी ड्राइंग की वाट लग जाएगी, लेकिन जब शेडिंग कर लिया तो फिर यार लगता था कुछ नहीं, शेडिंग तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। कई बार हमें लगता भी है कि यार ये चीज़ करना बहुत टफ है, इसको करने से यार मज़ा नहीं आ रहा है, जिस दिन आप वो चीज़ कर लोगे ना तो उसके बाद आपको उसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। डॉट करना, ये देखना है कि इसे जो ब्लॉक है ब्लॉक कितने सेंटर में है, ये चीज़ यही सब देखना हो। अगर ये आपने देख लिया तो फिर समझ लो आधी ड्राइंग आपकी कंप्लीट, ठीक है। ये माउथ मुंह,
तो अगर ये बन गया मतलब आपकी ड्राइंग 99% कंप्लीट। आपको बस ध्यान से देखना है कैसे मैं बना रहा हूँ। ओ यस, सबसे टफ मुझे लगता है लिप बनाना, किसी का भी लिप हो, लिप मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है। आई बना लूँगा, नोज बना लूँगा, लिप में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि अब नहीं होती, आज भी होती है, लेकिन मैं उस चीज़ से लड़ के उसको बना डालता हूँ। कुछ भी हो, कैसे नहीं बनेगा, बन जाएगा। इसी में जिद रखना है, आपको भी ऐसी जिद रखना है, बन जाएगा। और बन जाएगा तो मतलब बन जाएगा, देखो बन गया ना। थोड़ा सा भी काम बाकी है जिससे पूरा फेस अभी लग नहीं रहा। अभी पता है क्या बाकी है, आपको पता होगा, दाढ़ी जो बीयर्ड है ना, तो ये नीचे का बीयर्ड बनाया, यही 10% है, इसी को बनाना है। 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर वीडियो हमारा पूरा हो जाएगा। ये मूछ, इस पर आपको भी हल्का जी, हाँ एक चीज़ और बता दूँगा आपको, थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ें। मेरे मित्र लोग क्या करते हैं, मेरे जो नए दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, जो भाई बहन हैं, वो गलती क्या करते हैं पता है, जिसे मूछ है तो मूछ में वो हल्की पेंसिल का यूज़ नहीं करते हैं। अगर डार्क पेंसिल पा गए तो सिर्फ डार्क, इतना डार्क मूछ कर देते हैं ना कि वो खुद ही समझ में नहीं आता उसको कि यार ये क्या कर डाला मैं। तो आपको बीयर्ड भी उसी हिसाब से लाना जिसमें, जिस तरह से फ़ोटो में है। अगर वहाँ हल्का है तो आपको हल्का ही करना है, वहाँ पे आपको एकदम रगड़ के एकदम डार्क नहीं करना है, ठीक है। हाँ समझ रहा हूँ, आप मुंडी हिला देते हो कि हाँ, ये सब फॉलो करो, ये सब करा के हो, नहीं करोगे तो फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखो बन रहा है ना एकदम ड्राइंग, फर्स्ट क्लास, मस्त एकदम मज़े में। तो दोस्तों हमारी जो ड्राइंग है लगभग लगभग कंप्लीट हो गई है, शेडिंग करेंगे तो और मज़ा आएगा। अभी तो सिर्फ आउटलाइन है, आउटलाइन बहुत ही बेहतरीन बन गई है। यहाँ थोड़ा सा गलत था, इसको सही करना है, ठीक। अरे यार ये कभी कभार पता है जो ब्लॉक के अंदर की दूरी होता है ना, वो नहीं हो पाती सही से, लेकिन जब तक ना हो तब तक करते रहने का, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे हेयर को देखते हैं, हेयर में क्या प्रॉब्लम, पहले हेयर को देखो सही से। हेयर में कुछ सब सही है, कुछ दिक्कत नहीं है, मजाक कर रहा था, ठीक है। ये फेस के पास, और ये इसको शेडिंग कर लेंगे हल्का हल्का जो भी है, ठीक है। अब देखना वही जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत छूट गया है, ध्यान से एक बार देख लो क्या छूट गया है। वैसे छूट तो गया है मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं बताऊँगा, आप देखो क्या छूट गया है, मुझे कमेंट में कर देना पता, बता देना कि क्या छूट गया है। एक चीज़ तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया हूँ, छूट गया है, उसको मैं बताऊँगा नहीं। दोस्तों हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया, हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो गया। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हम आपको मिलते हैं नए ड्राइंग, नए एपिसोड में इसी ड्राइंग को पूरा करने के लिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।